जो ये निज़ा आर्ट फॉर सोसाइटी की तरफ से जो ये पेन फॉर जस्टिस टॉपिक लेके काम कर रहा हूँ, अपने साथ साथ 10 कला एमपी के 10 कलाकारों को लेकर इस टॉपिक पर काम करने के लिए जो निज़ा आर्ट फॉर सोसाइटी ने दिया, उस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर कलाकार को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है, जिससे कि वो कलाकार अपने अपनी उन जो भी रंगों के थ्रू, ब्रश के थ्रू, अपने सोच के थ्रू और अपने विचारों के थ्रू जो भी वो न्याय को अपनी तरीके से प्रेजेंट कर पाए, उसके लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। इस टॉपिक के साथ एमपी के सारे कलाकार काम कर रहे हैं, उनके अलग अलग मूड है, विचार है, काम करने का अपना एक तरीका है, स्टाइल है, उस चीज़ को लेकर वो अपने उस टॉपिक को इंडिकेट कर रहे हैं और उसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। ये निज़ा आर्ट वर्ल्ड सोसाइटी का एक योगदान है, या कह सकते हैं कलाकारों का भी सहयोग है, और इस पूरी जो ये टीम है 10-11 लोगों की, इनका भी पूरा सहयोग है, जिससे कि ये सारा काम हो रहा है और इससे सभी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और अपने एमपी में जैसे भी कलाकारों का अपना अलग अलग एक काम करने का और सोचने का, और जो भी ये कानूनी व्यवस्थाओं में जो अस्तव्यस्तता है, या नेचर को लेकर हो, या समाज को लेकर हो, या फिर सोसाइटी के किसी पक्ष में, या ऐसे सब्जेक्ट को लेकर स्वतंत्र छोड़ा है कलाकारों को, जिससे कि वो कलाकार कभी भी किसी बंधन को बंधन में न फंसे, वो स्वतंत्र होकर अपनी बातों को कैनवस पे पूर्णता से, अच्छाई से, ताकत। जानी जाती हैं और उनका एक अपना एक रोल है, तो मैंने उनके थ्रू गरीबों को मतलब न्याय दिखाया है कि उनकी हेल्प जो उन्होंने की है अभी हो रही है, बहुत कम हो रही है, थोड़ा और हो, और बस उन्हीं को लेके मैंने अपने कैनवस पे, अपने मीडियम से, अपने जिस तरह से करती हूँ उसके साथ कलर पेन सारे उससे पेंट किया है।
जो कि मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, और कुछ ही दिन पहले एक आनंद प्रकाश जी जो आर्टिस्ट हैं एक, तो उनसे बात हुई तो वो किसी संस्था के लिए मतलब न्याय के खिलाफ एक काम करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनका विचार सुने, उनकी संस्था के बारे में सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने मुझे एक पेंटिंग बनाने के लिए न्याय के खिलाफ एक सजेशन दिया और संस्था से जुड़ने के लिए भी मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी, तो मुझे मतलब अच्छा लगा और मैं पूरी तरीके से जोड़ रहा हूँ और मैं उनके लिए एक पेंटिंग बना रहा हूँ। जो पेंटिंग मेरी जो बन रही है, जो आप देख रहे हैं, वो पेंटिंग है एक नया क्रिकेट, जो अभी अंडर 19 क्रिकेट हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें जो भोपाल के कुछ आर्टिस्ट मतलब क्रिकेटर थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे वो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगा। मैंने भी मैच, वैसे मैं बॉय मैच बहुत ही कम देखता हूँ, लेकिन देखा मैंने, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने उन्हीं को लेकर एक पेंटिंग बनाई हुई है, जिसमें क्रिकेट की मतलब जो 3 डंडे होते हैं उनकी गिल्लियां उड़ते हुए, और किस तरीके से एक क्रिकेटर मतलब मैच को जीतने के लिए स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, उसको मैंने मतलब अपने दिमाग में रख के उसका एक मेन सब्जेक्ट बनाया है, जो कि किसी भी खिलाड़ी का मतलब आजकल क्या बोलते हैं वो हो जाते हैं, रिश्वत ले लेते हैं और मतलब अपने देश के खिलाफ मतलब विरुद्ध खेलने लगते हैं, और मतलब खेलने लगते हैं तो वो अपना अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं और देश को भी धोखा देते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि ना वो स्ट्रगल करें, मेहनत करें, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों ने मतलब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किया, मैं उनका मोटिवेशन करने के लिए पेंटिंग बनाया हूँ। बस मैं नीरज यादव निजा आर्ट फाउंडेशन के अंतर्गत काम कर रहा हूँ, जिसमें आनंद भैया और 10 आर्टिस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा इस कैम्प का। और निजा आर्ट फाउंडेशन के तहत हमको एक कॉन्सेप्ट मिला था, पेंट फॉर जस्टिस, जिसको लेकर मैंने काम किया है। हमने अपने काम में दिखाया है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। यही मेरे कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ हमने काम किया है। यदि आप अच्छाई का बीज बोएंगे तो आप अच्छाई काटेंगे, यदि आप बुराई बोएंगे तो बुराई, मतलब जब तक कि पृथ्वी रहेगी आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए अपने काम में दिखाने का प्रयास किया कि अच्छा बोएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, बस यही दिखाना। जैसे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट लगा इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो मैं उस सब्जेक्ट को लेकर के काम कर रहा हूँ, जो हम मानते हैं कि हमारी आत्मा सबसे मेन होती है कि आत्मा, जिस तरीके से हमारी आत्मा में सही या गलत फील होती है या महसूस करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम किसी भी कार्य को करते हैं जीवन में, हमारा उसी तरीके से काम होता है। जैसे हम जस्ट लाइक मानते हैं विवेकानंद जी हमारी आत्मा को चेंज किए, वो एक स्टूडेंट को सोचने का, समझने का, एक सही रास्ते पर चलने का उन्होंने एक हमारा माइंड को डेवलप किया। वो समझे कि
किस तरीके से सही काम किया जा सकता है और क्या सही है और क्या गलत है। जैसे हमारे यूसुफ सर हमारे हैं, वो हमको पेंटिंग के बारे में बताते हैं किस तरीके से हमको महसूस करना है, किस तरीके से हमको अपने आप को व्यक्त करना है, ये उन्होंने बताया। ठीक उसी प्रकार से समाज को हमें अगर व्यक्त करना है या समाज में बुराई को हटाना है तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति की तलाश होनी चाहिए या उस व्यक्ति की समाज की को जरूरत है जो हमारे समाज की वायरस है, उसको स्कैन करे उस वायरस को और सही चीजों को वो उनके माइंड में उनके दिमाग में भरे। और जिस तरीके से मैं चाहता था कि जैसे इंटरनेट के जमाने में आजकल हो गया वायरस की सबसे बड़ी भूमिका होती है लैपटॉप, लैपटॉप में अगर वायरस नहीं चलाया जाए एंटीवायरस तो वो तुरंत सिस्टम को हैंग कर जाता है। इसलिए उसी तरीके से अगर समाज को चलाना है तो एक एंटीवायरस की जगह पे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि सब समाज के माइंड को चेंज कर दे। इसी टॉपिक पे मैं काम कर रहा हूँ। सोसाइटी ने पेंट ऑफ आवर जस्टिक के ऊपर थीम के ऊपर हमें कहा कि पेंट करने के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा जिसका समाज को जरूरत पड़े। मेरा नाम गौरी है, मैं भोपाल से हूँ, भोपाल एमपी से। कुछ दिन पहले मेरी आनंद प्रकाश जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे पेंट फॉर जस्टिस टॉपिक को लेकर डिस्कस किया था और मुझसे बोला था कि एक पेंटिंग बनानी है जो कि न्याय को लेकर हो। तो वो इतना वाइड एरिया है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं उसमें से एक छोटा सा क्या टॉपिक ऐसा उठाऊँ कि जो कि दूसरों को अट्रैक्ट कर सके और कुछ नया मैसेज दे सके। फिर मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक होम मैच हो रहा था फुटबॉल को लेकर, वॉलीबॉल और फुटबॉल को लेकर, तो उसमें एक ऐसे कलाकार ने पार्टिसिपेट किया जिसके कि पैर नहीं थे और वो जो पूरी तरह से विकलांग था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसमें जीत हासिल की और अपनी सहभागिता निभाई। तो वो चीज़ मुझे इतनी अट्रैक्ट करी कि मैंने उसको अपने टॉपिक में लेना ज़्यादा सही समझा। इसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इंसान में उत्साह हो, दृढ़ संकल्प हो, तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैंने उसको अपने टॉपिक में उठाया, अपनी पेंटिंग के लिए उसको उठाया ताकि दूसरों को ये बता सके कि एक आम आदमी ही सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि एक ऐसा आदमी भी हर चीज़ में सहभागिता निभा सकता है जो कि कमज़ोर है, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो हर चीज़ हासिल कर सके। बस मुझे यही कहना था कि अगर हम आम आदमी को सपोर्ट करें तो हम उन लोगों को भी सपोर्ट करें जो कि उसमें आगे आना चाहते हैं, उसमें सहभागिता निभाना चाहते हैं। ये बताएं नाम के साथ। मैं अनिल लिजेरी भोपाल में 4 साल से काम कर रहा हूँ। हमें सब्जेक्ट दिया गया था पेंट फॉर जस्टिस करके। हमारे अभी जो साइंस कितना आगे आगे बढ़ रहा है उतना हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है। उदाहरण के तौर पे अभी मोबाइल आया है, मोबाइल के जो वेव्स निकलते हैं उसकी वजह से हमारा जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे मधुमक्खी हो गई, चिड़िया हो गई, ये सब नष्ट हो रहे हैं। इसके वजह से जितना साइंस हमें आवश्यकता है उतनी ही बुरी चीज़ हो रही है हमारे लिए।
ये सोच के ही मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। और आज के अभी हमें थोड़ी बहुत मधुमक्खियाँ देखने मिल रही होंगी। जैसे जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, वैसा वैसा हमारे नेचुरल चीज़ें जो है वो नष्ट होता जा रहा है। आगे आगे वाले पीढ़ियों को हम ऐसे मधुमक्खी है बोले तो हम एक पोस्टर या फोटो द्वारा दिखा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल देखने के लिए नहीं मिलेगा। वर्ल्ड आर्ट सोसाइटी है जिस जो एक समाज के लिए कुछ कर रही है, समाज के लिए कुछ कर रही है और उसमें एक एक पेंटिंग देना है, पेंटिंग बनानी है जिसका टाइटल है पेंट फॉर जस्टिस। जिसमें मैंने अपने पेंटिंग में ये बनाया हूँ, पेंटिंग में मैं दिखाना चाहता हूँ कि लड़कों और लड़कियों में अंतर दर्शाने की कोशिश किया हूँ। इसमें ये दिखाया हूँ कि लड़कों को मनी प्लांट जिस प्रकार से लोग अपने अपने घरों के हर एक घर में आपको नियर अबाउट मनी प्लांट लगा हुआ दिख जाएगा, उस तरह से लड़के को अच्छे से मतलब मनी प्लांट की तरह मानते हैं। और लड़कियों को आज भी इतना प्रोग्रेस होने के बाद, इतना डेवलप होने के बाद भी लड़कियों को थोड़ा सा निम्न मतलब मानते हैं, जिसके कारण आज आप देख सकते हैं राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। और इसमें एक माँ है और अपने इसमें ये भी हमने दिखाया है पेंट में कि इसके पीछे एक यदि माँ चाहे तो इस चीज में सुधार हो सकता है, क्योंकि औरत बहुत अच्छे से समझ सकती है उस बात को, बट एक समय के बाद औरत ही इस बात को फील कर ले। मतलब मैं एक औरत को एक मैसेज करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि यदि इस बात को अच्छे से औरत समझ ले पुरुष की अपेक्षा, तो इसमें निरंतर बहुत इनाफा होगा, मतलब अच्छा रहेगा। यही मैं अपने पेंटिंग के द्वारा मैसेज भी देना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार शर्मा। उसमें हमने दिखाना चाहा है कि विश्व के सभी धर्म के जो लोग हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और कबूतर हमने जो दिखाया है वो हमने इसलिए दिखाया है कि वो विश्व शांति का प्रतीक है और विश्व शांति के साथ सभी लोग एक सूत्र में बंधे हैं और इसी तरीके से रहें, ताकि जो विरोधाभास पैदा है विभिन्न जातियों के बीच में, ताकि वो खत्म।
हूँ, तो तभी उनको याद आया कि एक पेंट फॉर जस्टिस पे जो काम हो रहा है, तभी उन्होंने कहा कि गिरीश तुम एक काम कर सकते हो पेंट फॉर जस्टिस पे। तो तभी मैंने सोचा कि जब मैं सोशल इशू पे काम करता हूँ तो उसी पे लेके मैं चाइल्डहुड पे काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा सब्जेक्ट है चाइल्ड लेबर। जैसे समाज में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं अपने फायदे के लिए जो बच्चों को कैसे कि उनको गुमराह करके अपने कैद में फंसा लेते हैं, तो उसी एक सब्जेक्ट को लेके मैंने उसको कंपोजिशन लेके जो पेंटिंग कर रहा हूँ। जैसे जिस पेंटिंग के थ्रू भी हम बहुत लोगों को मैसेज दे सकते हैं, तो उसी का एक जरिया है कि मैं पेंटिंग करके बहुत से लोगों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ये उन्होंने जैसे ही मेरा नाम सजेस्ट किया आनंद प्रकाश भैया ने, तो मुझे बहुत खुशी हुई।